एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम टू एक्सप्लोर। मैं सुची आज आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जो आपके दिल को जरूर छुएगी। आज हम जा रहे हैं आशापुरा माताजी टेंपल। आप जब भी ये जगह विजिट करेंगे आपको फिर से आने के लिए मन होगा। मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ फिर भी मेरा मन नहीं भरता। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं बनारघट्टा के ही पास से जो जू है आशापुरी माता के मंदिर में, और ये लोकेशन बहुत ही सुंदर लोकेशन है। आप ज़रूर आएंगे बनारघट्टा जू, आप यदि आ रहे हैं तो इस लोकेशन को मस्ट विजिट कीजिएगा। यहाँ पर प्रसाद भी दिया जाता है, जैन धर्म जो टेंपल है ना, तो यहाँ पर प्रसाद वितरण भी किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रसाद मिलता है, लंच हो या डिनर के टाइम में भी दिया जाता है। मस्ट आप ये जगह विजिट कीजिएगा। आज हम यहाँ कवर करेंगे हाउ टू रीच देयर, पार्किंग फैसिलिटी एंड फूड फैसिलिटी। आप यदि बनारघट्टा जू विजिट कर रहे हैं तो मस्ट ये जगह विजिट कीजिएगा। ये मंदिर जू से अराउंड 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पार्किंग बाहर ही करना पड़ेगा, अंदर गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं, आपको रोड साइड में ही गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। ये मंदिर 6 AM से 8 PM तक खुला रहता है और 2 से 4 बजे तक बंद रहता है। यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी है। यहाँ पर भोजन का भी बहुत सुविधा है, आपको ब्रेकफास्ट 8 AM से 10:30 AM तक मिलेगा, लंच 11:30 से 1:30, टी टाइम 3 to 4 PM और डिनर आपको 5 PM से उपलब्ध होगा। चलिए अब आशापुरी माता का दर्शन करते हैं। माँ के साइड में गणेश जी का मूर्ति है और देखिए मंदिर का इंटीरियर कितना सुंदर है। ये मंदिर इवनिंग के टाइम पर और भी खूबसूरत लगता है। Thank you.
आज थोड़ा सा भीड़ है, हम आज लंच नहीं कर पाए, हमें फ्रेंड्स के घर लंच के लिए जाना था। आप यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो मस्त प्रसाद ग्रहण कीजिएगा।